नीम राणा की आरआर कंपनी में अज्ञात कारणों के चलते लगी भयंकर आग, करोड़ों रुपये का नुकसान, दो दर्जन से अधिक दमकलों से पाया जा रहा है आग पर काबू। नीम राणा की आरआर कंपनी में बड़ी आग, पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में। सुबह करीब 10 बजे से आग से इंडस्ट्रियल एरिया में धुआं ही धुआं, फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में कई करोड़ रुपये का नुकसान का अनुमान। राजस्थान के प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया नीम राणा में आज बुधवार सुबह फर्नीचर बनाने वाली आरआर फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। पूरी फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके कारण पूरे एरिया में धुआं ही धुआं हो गया। धुआं से पता चल गया कि बड़ा अग्निकांड हो गया। आसपास के क्षेत्र की सभी दमकलों को बुलाकर आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। सुबह 10 बजे की घटना, आसपास के लोगों ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे के आसपास धुआं दिखने लगा, तब पता चला कि आग लगी है। कुछ देर बाद अंदर पूरी फैक्ट्री में आग ही आग नजर आने लगी। इसके तुरंत बाद फैक्ट्री मालिक व कर्मचारियों ने पुलिस व अग्निशमन केंद्र को सूचना दी। तुरंत कई दमकलें वहां पहुंची तो आग बुझाने में लगी है। बताया जा रहा है कि आग बुझाने में कई घंटे लग सकते हैं। आग से करोड़ों रुपये का नुकसान बताया जा रहा है। यह फर्नीचर बनाने की बड़ी फैक्ट्री है, जिसके अंदर बड़े परिसर में आग लगी है। कई करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। हालांकि आग बुझाने के बाद पता लगेगा कि कितना नुकसान हुआ है। इस आग से पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में धुआं ही धुआं हो गया है। अधिकतर फैक्ट्रियों को मालिक व कर्मचारी भी सावचेत हुए हैं। वहीं आसपास की फैक्ट्रियों के चपेट में आने का भी डर रहा है, लेकिन दमकल वाहनों के पहुंचने के बाद आग पर कुछ काबू पाया जा सका है। मौके पर उपखंड अधिकारी मुकुट सिंह चौधरी, डीएसपी महावीर सिंह शेखावत, थानाधिकारी जितेंद्र नावरिया, केजी कौशिक, नीम राणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन महासचिव, सोतानाला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अध्यक्ष मलिक सहित काफ़ी लोग मौजूद रहे। ये अभी जैसे ही मुझे तकरीबन 10:15 बजे लखनऊ महोदय के यहाँ से मुझे पता चला कि आरआर इंडस्ट्रीज में आग लग चुकी है, तत्काल में मौके पर पहुंचकर और मैंने फायर ब्रिगेड के लिए फ़ोन कर दिया था। सभी जगह यहाँ तिजारा, बहरोड, कोटपुतली, बाबल और भिवाड़ी, तभी यहाँ से बहरोड से एक फायर ब्रिगेड आ गई है, कोटपुतली से आ गई है और आग बुझाने की कार्रवाई की। सर, नीम राणा फायर ब्रिगेड वालों ने कहा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें, उसको लेके लेकिन उनसे बात की जा रही है, जल्दी बुलाया जाए। तो सर, रिको के कोई अधिकारी नहीं आए अभी तक या कोई सूचना भी नहीं है उनके पास, तो उसके ऊपर क्या अभी तक नहीं पहुँचे हैं वो, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की अगर लापरवाही करते हैं तो कार्रवाई जरूर। सर, अक्सर नीम राणा कंपनियों में आग लगती है तो दमकलें नाकाम ही रहती है, कोई सर्विस पे जाती है कोई खराब है, आज भी नाकाम है, क्या कारण है? आज भी नाकाम है। आज मैंने उनको फ़ोन किया था, तभी उन्होंने टेक्निकल मिस्टेक बताई, और पहले भी तकरीबन इस तरीके की घटनाएँ होती रही हैं, तो उनको और तरीके से इन पर उनको कार्रवाई करके और करवाया जाए। सर, ये कहते हैं कंपनी का जो CSR का पैसा लगाते हैं, लेकिन वो कहाँ जाता है, क्या इसी तरह अगर कंपनी लग गई तो CSR का पैसा? ये तो नहीं सर, अगर इन जगह उपयोग लिया जाए दमकलों के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री उन्हीं की है। नहीं नहीं, ऑब्वियसली मतलब इस तरीके का जो CSR का पैसा है। सर, इस घटना में नुकसान का क्या अनुमान है? अनुमान तो अभी बात की जाएगी, अनुमान को लेकर सर कारण पता लगा के कारण क्या? नहीं, अभी कोई कारण पता नहीं लगा है। प्रथम दृष्टया तो ये पता लगा है कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से। थैंक यू सर, थैंक यू।